तब्दीली करनी पड़ती है और गेंदबाजी में भी। और इस बार खेल दिया है पुष्टोक, वहां पर फील्डर नीचे और आते ही अपिस्टो खेला यार, समझ नहीं पाए इस गेम को, अपील वहां पर और सीधा आउट। ये साल ने खा दिया है वहां पर और शानदार कैच वहां पर तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में और मिस्टर हनी जी ओपनिंग करने के लिए तैयार है और क्या बताऊं, यह है गौरव जी, आज थोड़े से तबीयत खराब इनकी और हैप्पी जी फॉर्म में आ चुके हैं और मैं बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हूँ अभी तक। पिछले मैच में डक लगी थी, उससे पिछले मैच में डक की लगी मक्खी और उससे पिछले मैच में 2-3 रन बनाए थे, तो पूरी उम्मीदें मेरे से है बट देखते हैं क्या होता है। मिस्टर रनआउट से इतना ही कहूँगा, कि रनआउट ना हुए और ना ही इन्हें रनआउट कराए, पूरा मैच खेलना है और अच्छे से खेलना है और बल्ला चेक करते हुए नए बल्ले। एंड दोनों ओपनर तैयार है जाने के लिए। मिस्टर लक्की, कैसे हैं आप? लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आए हैं, शेव उठा दिया है, बार खेल दिया है सीधा मिड ऑन दिशा में और जब तक फील्ड होता एक रन के लिए डीप मिड ऑन पर। इस बार खेल दिया है फिर मिड ऑफ की दिशा में, गौरव जब तक फील्ड करते एक रन और पूरा, आज एक दूसरे के खिलाफ। इस बार खेल दिया है थर्ड स्लिप की ओर, वहां पर खड़े शुरू के ओवरों में। इस बार खेल और वहां पर हल्की सी अपील, नकारा अंपायर में तो बार खेल दिया है लेग स्लिप की ओर और जब तक फील्ड करते बार जोखिम भरा शॉट और वहां पर खड़े लक्की ने बेहतरीन फील्डिंग करी, तब्दीली करनी पड़ती है और गेंदबाजी में भी। और इस बार खेल दिया है पुष्टोक, वहां पर फील्डर नीचे और गलती नहीं करेंगे, यहां पर पहली विकेट का नुकसान यहां पर पकड़ो। बार खेल दिया है फिर से गोलों की दिशा में, कोई चूक नहीं करेंगे वहां, लेकिन एक रन से भी नहीं रोक पाएंगे। बूझ से खेल रहे हैं और यहां पर सीधा खेल दिया है और ऑफ स्टंप को उड़ा दिया है, यहां पर काफी अच्छी कमबैक की है यहां पर। रिकॉर्ड करता हूं मैं अपना तो खेलने वाली के लिए जाने जाते हैं और कितना बेहतरीन शॉट रखा है 6 रनों के लिए। और इस बार बेहतरीन गेंद के साथ आगे आकर खेला है और वहां पर फुल टॉस बनाया और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। सही हम बॉल है उनके ग्राउंड में, देखते हैं किस तरह वापसी करते हैं। इंडिया मिड ऑन की दिशा में वहां पर नहीं आ रहा है भाई, बार खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की ओर, वहां पर लक्की की अच्छी फील्डिंग और काफी आक्रामक बल्लेबाजी चल रही है और इस बार खेल दिया है सीधा।
बार खेला वहां पर मिडऑन और मिड लॉन्ग ऑफ के बीच में से और इस बार खेल लिया है लॉन्ग ऑफ के बीच में और वहां पर मिडऑन दिशा में मिडऑन स्क्वायरिश मिडऑन में और एक रन पूरा किया दूसरे रन के लिए पलटे हैं दोनों बल्लेबाज क्योंकि ये गेंद खेल दिया है मिडऑन की दिशा में वहां पर फील्डर का बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण ठीक है बात खेल दिया है फिर से मिडऑन की दिशा और यहां पर थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण में चूक यहां पर नरेंद्र और इस बार खेल दिया है फिर से मिडऑन की दिशा में इस बार फुल टॉस खेल लिया यशपाल ने और खेल दिया सीधा दो रनों के लिए और आते ही अपिस्टो खेला वहां पर विकेट विश्वजीत के रूप में ललित ने आते ही वहां पर विकेट ले ली है और उनकी ये गेंद को दूसरी स्लिप की ओर खेला और एक रन पूरा किया रविंदर गेंद और उठा दिया है इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं 63 रन और इस बार फिर खेल दिया है मैडम दिशा में ऊंचा खेला हुआ ये स्ट्रोक डायरेक्ट यार समझ नहीं पाए इस गेम को अपील वहां पर और सीधा आउट जी हाँ बिल्कुल बार सीधा खेल दिया है तैयार बार खेल दिया है ऊंचा और कोई मौका नहीं वहां पर और चार के लिए बार हवा में खेल और ये साल ने खा दिया है वहां पर और शानदार कैच है वहां पर नरेंद्र पर हल्की सी अपील लेकिन सीधा दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला बात पर 84 रन और बॉबी ने खेला आगे बढ़कर और एक रन फिर पूरा कर लिया और अगला ओवर पूरा फेंका जाना इस बार खेल दिया है डीप मिडऑन की तरफ डबल करो यार बखूबी फील्ड करेंगे और दूसरा रन के लिए पलटे हैं थोड़ी सी हल्की सी जैसे ही मिल फील्ड हुई और दूसरे रन के लिए पलटे हैं काफी अच्छी रन पूरे के लिए आप ठीक है भाई इस बार खेल दिया मैदान की दिशा में फिर भी वहां पर अच्छा थ्रो हुआ लेकिन काफी आसानी से छोड़कर खेलने लग चुके हैं रॉबिन उथप्पा की तरह और इस बार इनर एज लगा और कीपर की बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर रन की किसी भी संभावना को दरकिनार किया दूसरा मैच भी कांटेदार मुकाबला और तीसरा भी और इस बार खेल दिया है मिड लॉन्ग ऑन की दिशा में जब तक फील्ड होता एक रन पूरा एपी दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे लेकिन वहां कोई बनिया देवी तो छाटी दी थी मैं भी छाटी बनी थी मैं खाती पाया रहा 85 रन मतलब बड़ा पास स्कोर है ये नहीं बनना है तो कभी भी नहीं मारो
ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਛੇਗਾ ਨਾ ਬੈਠੋ ਕਿ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੀ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਬਰੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੈਕ ਚੱਲੀ ਰਿਹਾ ਚੌਂ ਓਵਰਾਲ ਬਣਾਈ ਤੂੰ ਸਕੋਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਿਆ ਪੰਜ ਓਵਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈ ਇਤਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਟ ਜਾਣੇ ਕਹੋ चलो अपने डाउन भी छोड़ दी क्या सब नहीं खेलना तो 11 और वहाँ पे मैं जीत लिया है 39 रनों से। बहुत अच्छी गेंदबाजी मिस्टर हन्नी की 3 विकेटे और ये फील्डर जी और संजय भाई लूज पाए गए आज फील्ड में बहुत ज़्यादा लूज पाए गए हिलते भी नहीं थे। गौरव जी की तबीयत खराब थोड़ा सा डाउन और हमारे कोच हन्नी जी बहुत खुश आज योर कर बिल्कुल जड़ में डालिए और वहाँ पे मैच जीत चुके हैं और 97 बनाए थे और दूसरी टीम 60 रन बना पाई और हम मैच इजीली जीत गए। एंड हैप्पी जी ने कुछ नहीं किया है और प्लान बन चुका है कि नेट्स में जाएंगे जो कमियाँ हैं उनको पूरी करेंगे। हन्नी को मैं योर कर पे योर कर मारूंगा बी रेडी और सॉरी मैं बताना भूल गया आज के मैन ऑफ द मैच किया है ये रहे मिस्टर यशपाल जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे। तो काफ़ी देर नेट्स में खेलने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर और मैच के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि 12 ओवरों में हमने बनाए थे 97 जिसमें पहले 10 ओवर तक हमारा काफ़ी अच्छा रन रेट था बाकी लास्ट के दो ओवरों में कुछ खास रन नहीं आया जिससे हमारा स्कोर 97 ही पहुंच पाया। और जब हम टारगेट को डिफेंड करने गए तो पहले 3 ओवरों में हमने काफ़ी तीखी गेंदबाजी की और उनके 3 ओवर में सिर्फ 6 ही रन थे जिस कारण उन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ गया और वो थोड़ा अटैकिंग खेलने लगे जिससे हमें विकेट मिलती गई और मैच में पकड़ बनती गई और वो अप्रॉक्स 40 रन से हार गए। तो आज का व्लॉग करता हूँ मैं यहीं पे एंड और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा एक क्वार्टर फाइनल का मैच अगर उससे पहले कहीं और ना जाना पड़े। तो सी या गाइस।